दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मध्य प्रदेश के देवास जिले में बारिश के चलते नाले से बहते पानी के बीच मारुति वैन को निकालना महंगा पड़ गया। पानी के साथ वैन में सवार चार लोग बह गए, जिनमें से दो के शव बरामद कर लिए गए हैं और दो की तलाश जारी है। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को बागली थाना क्षेत्र में एक मारुति वैन से पांच लोग कमलापुर से हाट पिपलिया जा रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले डेरिया नाले के ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन वैन के ड्राइवर ने वाहन को आगे बढ़ा दिया। वाहन जब बीच में पहुंचा तो पानी का बहाव बढ़ गया और मारुति वैन हिचकोले खाने लगी। वैन में सवार एक युवक कूद गया और बाहर निकल आया, लेकिन वैन तेज बहाव के साथ बह गई। पुलिस के अनुसार वाहन में सवार चार लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव दल ने अभियान चलाया तो दो लोगों के शव सोमवार की रात 9 बजे तक बरामद कर लिए गए और अन्य दो की तलाश जारी है। अधिकारी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं।